Hello dear students, welcome to my English video class for 10th August. I'm sure children you all are doing good, you all are in good health, taking good care of yourselves, following all the safety precautions and all the COVID protocols. And at the same time children, I do hope that you are watching the videos also on a regular basis. आप सारे वीडियोज रेगुलरली देख रहे हो एंड एट द सेम टाइम यू आर कंप्लीटिंग योर वर्क ऑल्सो. ठीक है, आप सारे वीडियोज अपने टाइम पे देख रहे हो और साथ साथ अपना वर्क कर रहे हो. बिकॉज इफ यू कीप ऑन डूइंग योर वर्क एवरी डे, योर वर्क विल बी अप टू डेट. आप रेगुलर रहोगे तो आपका काम भी अप टू डेट रहेगा. एंड रोज तो रिटन वर्क नहीं होता है, कभी होता है कभी नहीं भी होता है. सो ऐसा भी नहीं है कि रोज़ आपको कुछ ना कुछ रिटन वर्क करना ही करना है, कभी कभी कुछ वर्क नहीं भी होता है. सो बट मेक इट अ हैबिट कि रोज़ आप वीडियो देखो एंड अगर कोई रिटन वर्क नहीं है तो जस्ट रिवाइज द वर्क. जो भी काम उस दिन हुआ है, रीडिंग किया है अगर, तो रीडिंग की प्रैक्टिस करो. ठीक है, बिकॉज रीडिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. स्पेशली लैंग्वेज में आपको पढ़ना आना चाहिए, क्योंकि अगर पढ़ना नहीं आएगा, रीडिंग नहीं आएगी, तो आप कोई भी सब्जेक्ट भी तो नहीं पढ़ पाओगे ना. इंग्लिश के अलावा सतनी के सिर्फ इंग्लिश पढ़ना है, ईवीएस में भी क्वेश्चन आंसर्स पढ़ने हैं, मैथ्स में भी पढ़ना है, रीडिंग तो सब में ज़रूरी है. सो अगर रोज़ रिटन वर्क नहीं है, एटलीस्ट प्रैक्टिस रीडिंग एवरी डे. और रीडिंग एज सच भी थोड़ी सी आप, इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट यू रीड योर ओन कोर्स बुक ओनली, यू कैन रीड एनी स्टोरी बुक. अगर आपके पास है घर में बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो टेल योर पेरेंट्स कि वो छोटी छोटी स्टोरी बुक्स मिलती हैं, आपको स्टोरी बुक्स ला करके देंगे. ठीक है, एंड प्रैक्टिस रीडिंग. रीडिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. रीडिंग के साथ साथ ऐसा नहीं कि सिर्फ रीडिंग, बहुत बार आप लोग क्या करते हो, लेटर्स को जोड़ जोड़ के रीड करते हो. ठीक है, जैसे लेटर्स को, जैसे आई हैव अ लिटिल फ्रॉग, तो आई एच ए वी ई हाव, कई बार उसका प्रोनाउंसिएशन कर पाते हो, कई बार उस वर्ड का प्रोनाउंसिएशन नहीं कर पाते हो. तो इट शुड नॉट बी लाइक दैट. रीडिंग आपकी एक प्रॉपर फ्लो में, एक मतलब ढंग से होनी चाहिए कि येस यू आर रीडिंग. बहुत ज़्यादा अटक अटक करके नहीं होना चाहिए. ठीक है, सो प्रैक्टिस रीडिंग एवरी डे. नाउ वी हैव स्टार्टेड विद दिस पोएम. इट इज़ अ वेरी स्मॉल पोएम. कल मैंने आपको पोएम पूरी रीडिंग किया, रेसिटेशन किया, एक्सप्लेनेशन किया. सो बिफोर स्टार्टिंग विद स्पेल वेल वर्ड्स एंड वर्ड मीनिंग, एक बार फिर से पोएम रीड कर दूँ कि आई हैव अ लिटिल फ्रॉग, हिज नेम इज टाइनी टिम, आई पुट हिम इन द बाथटब टू सी इफ ही कुड स्विम, ही ड्रंक अप ऑल द वाटर एंड गॉबल्ड अप द सोप, एंड व्हेन ही ट्राइड टू टॉक ही हैड अ बबल इन हिज थ्रोट. इट इज़ अ वेरी स्मॉल एंड स्वीट पोएम. लर्न इट, मेमोराइज इट, एंड देन यू कैन इनैक्ट इट ऑल्सो. आप इसको बहुत अच्छे से एक्शन के साथ इस पोएम को बोल सकते हो. आई हैव अ लिटिल फ्रॉग, हिज नेम वॉज टाइनी टिम. ठीक है, इसको आप एक्शन के साथ भी बोल सकते हो. लिटिल फ्रॉग, हर एक वर्ड का मैंने मीनिंग भी बताया था कि लिटिल वर्ड इट इज़ अ डिस्क्राइबिंग वर्ड बिकॉज इट टेल्स अस द लिटिल वर्ड हमें फ्रॉग के साइज के बारे में बता रहे हैं. सो इट इज़ अ डिस्क्राइबिंग वर्ड. फिर मैंने बताया था उस अलग अलग मतलब पोएम में जितने भी वर्ड्स यूज हुए हैं, मैक्सिमम वर्ड्स का मैंने प्रोनाउन है, विदर इट इज़ एन एक्शन वर्ड और डिस्क्राइबिंग वर्ड और नेमिंग वर्ड, ये सारी चीज़ें बताई थी. नाउ टुडे वी विल स्टार्ट विद द स्पेल वेल वर्ड्स. ठीक है, आज हम पहले स्पेल वेल वर्ड्स से स्टार्ट करते हैं. जस्ट गिव मी वन मिनट चिल्ड्रन. बहुत छोटी सी पोएम है, इट इज़ अ वेरी स्मॉल पोएम. सो दे आर वेरी फ्यू स्पेल वेल वर्ड्स एंड जस्ट टू वर्ड मीनिंग्स. ठीक है, सो राइट पोएम थ्री, अ लिटिल फ्रॉग, एंड एस पी ई डबल एल स्पेल, डब्ल्यू ई डबल एल वेल, डब्ल्यू ओ आर डी एस स्पेल वेल वर्ड्स. ठीक है, ओनली फाइव स्पेल वेल वर्ड्स आर देयर. फर्स्ट इज L I double T L E little, then second is B A T H bath, T U B tub. Bath and tub, these are two different words, मतलब एक साथ नहीं है पूरा, bath tub. Then third word is
swim. Swim. Fourth word is drank. 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 ठीक है, फोर्थ में यहां लिख रही हूं. दिस इज फाइव. फोर्थ वर्ड इज गॉबल्ड. GOBBLED. गॉबल. फिफ्थ इज ड्रैग. सिक्स्थ वर्ड इज BUBBLE. बबल. एंड सेवेंथ वर्ड इज THROAT. थ्रोट. सेवेंथ वर्ड इज थ्रोट. ठीक है, दीज आर द सेवन स्पेल वेल वर्ड्स एंड ओनली टू वर्ड मीनिंग्स आर देयर. तो मैं यहाँ पे नीचे लिख दे रही हूँ WORD वर्ड ME. अच्छा, ये पहले आप स्पेल वेल वर्ड्स लिख लो, देन आई विल राइट द वर्ड मीनिंग्स. फर्स्ट यू राइट द स्पेल वेल वर्ड्स. मैं द साइड में आ जा रही हूँ एंड आफ्टर स्पेल वेल वर्ड्स आई विल राइट द वर्ड मीनिंग्स. ओके एंड चिल्ड्रन, अगेन आई एम टेलिंग यू, इफ यू हैव एनी डाउट एनी कन्फ्यूजन प्लीज कंसल्ट द बुक. ठीक है, क्योंकि ऑल दीज वर्ड्स आर फ्रॉम द बुक इट्सेल्फ. ये सारे वर्ड्स जो है वो बुक में से ही हैं. सो प्लीज़ कंसल्ट द बुक इन केस ऑफ एनी डाउट. ये आप लिखो और यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑल्सो. ठीक है, इसको लिख लो एंड देन उसी के नीचे पेज में इसके नीचे ही आप वर्ड मीनिंग भी लिख सकते हो. ओके, सो आई होप एवरी वन हैज रिटन LITTLE. लिटल. लिटल मतलब छोटा. BATH बात. TUBE टब. बाथ टब. बाथ टब इज अ थिंग. इट इज़ अ नेमिंग वर्ड. नेम ऑफ अ थिंग. बाथ टब इज यूज इन द बाथरूम्स. वहाँ पे बाथ टब रखते हैं, जैसे छोटे वाले गोल टब होते हैं जिसमें आप लोग बचपन में नहाते हो. बाथ टब इज क्वाइट बिग. ठीक है, बड़े बड़े होते हैं जिससे कि पूरे एक बड़े लोग उसके अंदर बैठ सकते हैं आराम से. ठीक है, स्विम. स्विम मतलब तैरना. गॉबल. गॉबल मतलब एट क्विकली. बुक में मीनिंग दी हुई है गॉबल की. एट क्विकली मतलब किसी भी चीज़ को जल्दी से खा जाना. ठीक है, गॉबल मीन्स जल्दी से खा जाना. ठीक है, राइट दीज इन योर इंग्लिश नोट बुक. ठीक है, राइट WRITE. राइट दीज SPELL. स्पेल वेल वर्ड्स इन योर इंग्लिश नोट बुक. नोटबुक का मतलब होता है आपकी कॉपी. सो राइट दी स्पेल वेल वर्ड्स इन योर इंग्लिश नोटबुक. फाइन, ये दिस इज जस्ट इंस्ट्रक्शन फॉर यू. ये आपको लिखना नहीं है ये लाइन, ये आपके लिए इंस्ट्रक्शन है. ठीक है, ये वर्ड्स लिख ली अभी. नाउ आई एम गोइंग टू इरेज एंड अभी इसके बाद मैं अब वर्ड मीनिंग लिखने जा रही हूँ. ओनली टू वर्ड मीनिंग्स आते हैं. ठीक है, स्पेल वेल वर्ड्स देन वर्ड मीनिंग्स. पूरा इंस्ट्रक्शन मैं नहीं इरेज करूँगी. नेक्स्ट इज WORD वर्ड MEANINGS वर्ड मीनिंग्स. ठीक है, तो फर्स्ट इज GOBBLED बॉबल. बॉबल द मीनिंग ऑफ बॉबल इज एट क्विकली. QUICKLY एट क्विकली मतलब जल्दी से खा जाना. एट इज द पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ड ईट. ईट का मतलब है खाना. इट इज अ नेचुरल वर्ड एंड एट इज द पास्ट फॉर्म ऑफ ईट. ठीक है, EAT एंड द पास्ट फॉर्म इज एट. एट मतलब जल्दी से खा लिया. सिंस ही गॉबल्ड अप. गॉबल भी जो द वर्ड इज GOBBLED वर्ड इज गॉबल. डी इज एडेड दैट मीन्स इट इज यूज इन पास्ट टेंस. तो जब वर्ड अगर पास्ट फॉर्म में है तो उसकी मीनिंग भी हम पास्ट फॉर्म में लिखेंगे. तो गॉबल मीन्स जल्दी से उसने खा लिया. एट क्विकली. ठीक है, एंड सेकेंड वर्ड इज बबल. सेकेंड इज BUBBLED बबल. A ball of air, a ball of air made from MABE.
from a ball of air, meet from S-O-A-P-Y, soapy liquid. A ball of air made from soapy, L-I-Q-U-I-D, liquid. ठीक है, लिक्विड मतलब कोई भी लिक्विड को हिंदी में कहते हैं तरल. ठीक है, कोई भी लिक्विड मतलब कोई भी जो तरल चीज़, जैसे पानी है, दूध है, ठीक है, ये ऑयल है, ये सारी चीज़ें क्या है, दीज आर ऑल लिक्विड. आप जब नहाते भी होंगे, कभी भी आप देखोगे, अगर इफ़ यू मिक्स सोप विथ वाटर, जैसे नहाने के टाइम पे बॉडी पे हम सोप लगाते हैं, उसके बाद उससे क्या होता है, जब सोप को रब हम घिसते हैं तो वो बबल्स बनते हैं ना, कपड़े धोते हैं, कपड़े पानी में सोप में सोप करते हैं तो बबल्स बनते हैं. तो बबल होता है, जिसको हिंदी में कहते हैं बुलबुला. बबल मतलब अ बॉल ऑफ एयर मेड फ्रॉम सोपी लिक्विड. आप कभी भी हाथ में बबल ऐसे लेकर के इसको करके ब्लो करोगे तो इट बबल जो है हवा में उड़ता है. उसको कहते हैं ना कि थोड़ी देर तक ये एयर में रहता है, बिकॉज बबल के अंदर एयर भरी रहती है, खाली नहीं होता है. एंड देखा होगा कभी कि बबल पे जब लाइट पड़ती है उस पर बहुत सारे कलर्स दिखाई पड़ते हैं. उसका रीज़न भी आगे जाके साइंस में पढ़ोगे. ठीक है, तो बबल का मतलब है अ बॉल ऑफ एयर मेड फ्रॉम सोपी लिक्विड. ठीक है, सिंस उसने पूरा पानी पी लिया था, उसने पूरा जो सोप खा लिया था, तो सोप एंड वाटर मिक्स करके क्या हो गया, उसे जब बोलने की कोशिश की तो बबल बनने लगे उसके थ्रोट में. तो नाउ राइट दिस वर्ड M-E-A-N-I-N-G-S, राइट दिस वर्ड मीनिंग्स इन योर इंग्लिश नोटबुक. देर आर जस्ट टू वर्ड मीनिंग्स. ठीक है, ड्रैग ड्रैग इज ऑल्सो, अभी मैंने बताया था ड्रैग इज द पास्ट फॉर्म ऑफ ड्रिंक, ड्रिंक एंड ड्रैग. ठीक है, ड्रैंक अप ऑल द वाटर मतलब उसे पूरा पानी पी लिया, पास्ट फॉर्म में है, इसीलिए ड्रैंक वर्ड इज यूज. थ्रोट, थ्रोट का मतलब सबको मालूम है, थ्रोट मतलब गला. एंड इन केस यू विश टू नो, मैंने सिर्फ ओनली टू वर्ड मीनिंग्स आर देयर इन द बुक, उसने मैंने भी टू लिखवाई है. अगर आपको किसी और वर्ड की मीनिंग जानना हो तो यू कैन आस्क मी इन द ऑनलाइन क्लास. ओके, नाउ राइट दिस चिल्ड्रन एंड आफ्टर दिस वी विल स्टार्ट विथ द कॉम्प्रिहेंशन एक्सरसाइज. ठीक है, कॉम्प्रिहेंशन एक्सरसाइज करेंगे इसके बाद. एवरीवन आई थिंक हैज रिटन. नाउ चिल्ड्रन टर्न द पेज, पेज नंबर 42. इसको अभी मैं इरेज करने जा रही हूँ. नाउ वी विल स्टार्ट विद कॉम्प्रिहेंशन एक्सरसाइज एंड दैट यू हैव टू डू इन योर इंग्लिश बुक ओनली. जो कॉम्प्रिहेंशन एक्सरसाइज अभी हम करेंगे उसे आपको अपनी कॉपी में नहीं लिखना है. दैट हैज़ टू बी डन इन योर इंग्लिश बुक ओनली. ठीक है, बुक एक्सरसाइजेज इन बुक. ओके, तो टर्न टू पेज नंबर 42. द फर्स्ट इज सी ओ एम पी आर ई एच ई एन एस आई ओ एन, कॉम्प्रिहेंशन. जैसे अभी मैंने दो दिन पहले क्लास में आपको अनसीन कॉम्प्रिहेंशन कराया ना. अनसीन का मतलब होता है जो हमने नहीं देखा, एंड कॉम्प्रिहेंशन मतलब टू चेक योर अंडरस्टैंडिंग. आप पढ़ पाते हो कि नहीं, रीड कर पाते हो कि नहीं, पोएम है या लेसन है उसको समझा है कि नहीं समझा है. तो जो कॉम्प्रिहेंशंस होते हैं, छोटा सा पैसेज होता है एंड देन देयर आर क्वेश्चन आंसर्स बेस्ड ऑन दैट पैसेज. ओके, द फर्स्ट इज इन कॉम्प्रिहेंशन ए इज फिल इन द ब्लैंक्स. ए इज F-I-L-L, fill in the B-L-A-N-K-S, fill in the blanks. ठीक है, fill in the blanks. Now first is, what is the first one? The first is the F-R-O-G-S, frog's name is dash. ये मैंने पहले भी बताया है कि वेयर डू वी यूज दिस टाइप ऑफ एस, ऐसा हम एस यूज करते हैं, दिस इज नोन एज अपोस्ट्रोफी एस. ठीक है, हिंदी में अगर इसको आप बोलो तो क्या बोलोगे कि फ्रॉग का नाम. ठीक है, हिंदी में अगर आप बोलोगे तो आप बोलोगे फ्रॉग का नाम. तो हिंदी में जहाँ पे भी का या की यूज होता है वहाँ पे हम ये वाला एस लगाते हैं. ओके, द फ्रॉग्स नेम इज, पहले मैं लिख लूँ जितना भी यहाँ पे लिख सकती हूँ. सेकेंड इज
द चाइल्ड पुट द फ्रॉग द चाइल्ड फॉर द फ्रॉग एफ आर ओ जी फ्रॉग इन द चाइल्ड पुट द फ्रॉग इन द डैश ठीक है यहाँ पर दिख रहा है ना यू कैन सी इट इन द डैश थर्ड इज द फ्रॉग वेट इसको मैं यहाँ नहीं लिखती हूँ यहाँ पे पुट द फ्रॉग इन द डैश देन थर्ड इज द फ्रॉग एफ आर ओ जी फ्रॉग हैड अ डैश इन हिज टी एच आर ओ ए टी फ्रॉग नाउ लेट अस राइट अभी इसको लिखेंगे हम इसके लिए चलो लेट अस यूज अ डिफरेंट कलर द फ्रॉग्स नेम इज व्हाट इज द फ्रॉग्स नेम फ्रॉग का नाम क्या है आई हैव अ लिटिल फ्रॉग एंड हिज नेम इज टाइनी टिम द फ्रॉग्स नेम इज टी आई एन वाई टाइनी टी आई एम द फ्रॉग्स नेम इज Tiny Tim. The child put the frog in the. Where did the child put the frog? Child ने frog को कहाँ रख दिया? The child put the frog in the bathtub. The child put the frog in the B A T H bath T U B tub. The child put the frog in the bathtub. Okay. Then the third is the frog had a dash in his throat. फ्रॉग के गले में क्या हो गया था द फ्रॉग हैड अ बबल बी यू डबल बी एन ई बबल इन हिज थ्रोट द फ्रॉग हैड अ बबल इन हिज थ्रोट नाउ चिल्ड्रन राइट दीज थ्री एंड आफ्टर दिस टू मोर आर देयर अब ये थ्री लिखो आई होप चिल्ड्रन यू हैव रिटन सब में ये लिखे यू जस्ट हैव टू राइट टाइनी टिम बाथटब एंड बबल अगेन कॉपी में नहीं लिखना है ठीक है बुक में एक्सरसाइज है You have to write this in your book only. Okay? First is the frog's name is Tiny Tim. The child put the frog in the bathtub and the frog had a bubble in his throat. Okay? Everyone has written these three. Sab mein likh liya. Abhi isko erase karke there are two more. Wo dono bhi main likh do. Ek ek se word likhna hai to aap just abhi dekh karke mere saath saath bhi likh sakte ho. Okay? Now I am going to erase these. अभी मैं फोर एंड फाइव लिखने जा रही हूँ ओके फोर एंड फाइव नाउ फोर्थ इज द डैश डी आर ए एन के ड्रैंक अप ऑल द वॉटर ठीक है The dash drank up all the water. Now who drank up all the water? किसने सारा पानी पी लिया फिर कलर भी लिख लू द एफ आर ओ जी फ्रॉग जी ओ डबल बी एल ई बी बॉबल अप द डैश ठीक है Now, who drank up all the water? सारा पानी किसने पी लिया था इस poem में देर आर ओनली टू कैरेक्टर्स poem में कौन कौन से टू कैरेक्टर्स है वन इज द चाइल्ड जो बॉय है एंड द सेकेंड कैरेक्टर इज द फ्रॉग ओनली टू कैरेक्टर्स आर देयर तो किसने सारा बॉय ने फ्रॉग को बाथटब में रखा एंड द फ्रॉग drank up all the water. तो क्या होगा यहाँ पे द एफ आर ओ जी फ्रॉग ड्रैंक अप ऑल द वॉटर फ्रॉग ने पूरा पानी पी लिया देन फिफ्थ इज द फ्रॉग बॉबल ऑफ द एस ओ ए टी सो द फ्रॉग बॉबल ऑफ द सो फ्रॉग ने सारा पानी पी लिया ठीक है राइट दीज टू इन द बुक एंड देन यू विल डू द सेकेंड वन कॉम्बिनेशन की जो सेकेंड एक्सरसाइज है एक्सरसाइज टू यू जस्ट हैव टू राइट फ्रॉग एंड सो
आपको सिर्फ ये दो वर्ड सीखने हैं, फ्रॉग एंड सो, दैट इज ऑल। ठीक है, इसको लिखो आप। ओके, सो आई होप एवरीवन हैज रिटन। नाउ अभी इसको मैं इरेज कर रही हूँ। नाउ वी विल बी डूइंग बी, कॉम्प्रिहेंशन में जो बी है। ठीक है, लेट अस स्टार्ट बी। एंड बी इज, हैव यू एवर सीन अ बबल व्हाइल टेकिंग अ बाथ, मतलब जो नहाते टाइम पे जो बबल होता है वो कभी बबल देखा है आपने? जो नहाते टाइम जब बबल बनता है, जैसे मैंने कहा ना कि नहाने के टाइम पे जब सोप यूज करते हैं और फिर बॉडी पे सोप लगाते हैं, वाटर पानी डाल के सोप लगाते हैं, नहाने के टाइम पे बबल देखा होगा, जरूर देखा होगा। कपड़े धोने के टाइम पे सिंस पानी में सोप मिला करके कपड़े धोते हैं, तो बबल जरूर देखा होगा। तो बी इज, हैव यू H A V E, have you ever seen a bubble? Have you ever seen a bubble while taking a bath? T A K I N G, taking a bath. Question पहले लिख लो, then I will explain the meaning. ठीक है? Circle the picture of the bubble. CIRCLE. Circle the PICTURE. Picture of the bubble. ठीक है, ये भी अगेन यू हैव टू डू दीज टू इन योर बुक ओनली। ये भी जो दोनों हैं ये आपको अपनी बुक में ही करना है। ठीक है, नाउ हैव यू सीन अ बबल व्हाइल टेकिंग अ बाथ, एक आप देख रहे हो, एक ऐसा बना हुआ है, ठीक है, इसको मैं ब्लू से बना रही हूँ, ऐसा बना हुआ सर्कल है। एंड व्हाट इज दिस शेप? ठीक है, अभी जो अभी बोर्ड पे तो मैं इसके अंदर के, ये ठीक नहीं बना बोर्ड पे, तो मैं इसके अंदर के कलर्स नहीं बना सकती हूँ, ये ऐसे। ठीक है, दिस इज ड्रॉप ऑफ वाटर, ये जो होता है ये ड्रॉप का शेप होता है। एग्जैक्टली ऐसे जरूरी नहीं कि जो ड्रॉप्स गिरती है वाटर ड्रॉप्स होती है वो बिल्कुल इसी शेप की होती है, बट वेन एवर वी मेक ड्रॉइंग, जैसे कभी भी हमको अगर वाटर ड्रॉप्स बनानी होती है तो हम ऐसे ही शेप नॉर्मली बनाते हैं। जैसे कहीं बारिश होती है तो अगर बारिश की हमें ड्रॉइंग बनानी है तो ऐसे 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 करके ही बनाते हैं। ठीक है, तो दिस इज द सर्कल, ये बबल, ये जो है ये वाटर ड्रॉप का शेप है। अभी आप अपनी बुक में देखोगे कि जो सर्कल है, ठीक है, इसके अंदर बहुत सारे कलर्स दिखाई पड़ रहे हैं। जैसे मैंने बताया था कि जब कभी भी आप बबल को ऐसे हवा में उसको ब्लो करके देखना, बबल जैसे बनाते हो और बबल को हवा में ऐसे करके उड़ा के देखना, यू विल सी लॉट ऑफ कलर्स, उसके अंदर आपको कई सारे कलर्स दिखाई पड़ेंगे। जैसे रेनबो में कलर दिखाई पड़ते हैं ना, तो ऐसे करके बबल को उड़ाओगे तो बबल में आपको बहुत सारे कलर्स दिखेंगे। वो इसलिए क्योंकि वो लाइट रिफ्लेक्ट होती है, आप और आगे क्लासेस में जाओगे तो पढ़ोगे उसका रीज़न पता चलेगा, तो इसलिए इसमें ये लाइट्स दिखाई देंगे। यू माइट वंडर कि ये ऐसा क्यों दिख रहा है, ये तो ब्लू ब्लू सा है सिर्फ, बट ये ऐसा क्यों दिख रहा है? तो लॉट ऑफ कलर्स, इसमें कलर्स दिखाने के लिए ऐसा यूज किया है। ठीक है, तो दिस इज अ बबल, ये जो है ये एक बबल है। ठीक है ना, ये वाटर ड्रॉप है, दिस इज अ बबल, इसको हम सर्कल करेंगे। आप अपनी बुक में इसको सर्कल करोगे, ठीक है, इस बबल को बुक में इसको सर्कल करना है। ओके, इसको आप सर्कल कर लो। एंड आफ्टर दिस लेट अस एंजॉय द पोएम। पोएम जैसे मैंने बताया था कि पोएम का जो पर्पज होता है, पोएम आप देखोगे कि जब कभी लिखी होती है तो एट टाइम्स यू विल सी कि जो सेंटेंसेस होते हैं दे आर नॉट वेरी करेक्ट ग्रामेटिकली। सेंटेंसेस में हो सकता है प्रॉपर एकदम सेंटेंस ना हो, फुल स्टॉप ना हो, बिल्कुल उनका जो सेंटेंस का जो फॉर्मेशन है दैट माइट नॉट बी करेक्ट, वो सेंटेंस का फॉर्मेशन एकदम करेक्ट नहीं हो सकता है। बट पोएम का जो पर्पस होता है दैट इज जस्ट फॉर एंजॉयमेंट, एंजॉय करने के लिए, लैंग्वेज को उसका लैंग्वेज के अप्रिसिएशन के लिए। ठीक है ना, एंड जस्ट छोटी छोटी पोएम्स हैं, आप उसको लर्न कर सकते हो। यू कैन लर्न द पोएम, यू कैन रिसाइट द पोएम एक्शन, अपने से एक्शन करके आप उनको एक्शन के साथ रिसाइट कर सकते हो। ठीक है, तो पोएम्स का बेसिक जो एम होता है, ऑब्जेक्टिव है, दैट इज टू एंजॉय।
ठीक है। लेसन्स में तो हम सेंटेंस फॉर्मेशन पढ़ते हैं कि हाउ डू वी फ्रेम अ सेंटेंस, द करेक्ट सेंटेंस कैसे बनाया जाता है। पोएम इज फॉर बेसिकली फॉर एंजॉयमेंट एंड अप्रिसिएशन ऑफ द लैंग्वेज। ओके, सो लेट अस एंजॉय द पोएम। नॉट टेम एंड स्विम आर राइमिंग वर्ड्स दैट एंड विद आई एन। जैसे पोएम हमने पढ़ा कि आई हैव अ लिटिल फ्रॉग एंड हिज नेम इज टाइनी टिम। आई पुट हिम इन द बाथटब टू सी इफ ही कुड स्विम। अभी आप यहाँ पे देखोगे टिम, हिम, स्विम, दीज आर राइमिंग वर्ड्स। एंड जैसे मैंने बताया था कि पोएम में अक्सर क्या होता है कि यू विल सी कई बार फर्स्ट एंड सेकेंड लाइन के जो लास्ट वर्ड है वो राइमिंग होंगे, कभी फर्स्ट एंड थर्ड लाइन, सेकेंड एंड फोर्थ लाइन, मतलब या तो कंटिन्यूस दो लाइन के लास्ट वर्ड्स राइमिंग हो सकते हैं और द लास्ट वर्ड्स ऑफ ऑल्टरनेट लाइन्स में भी राइमिंग। राइमिंग वर्ड्स मैंने बताया था वर्ड्स विच साउंड सिमिलर, जैसे टिम हिम, मीनिंग अलग है, स्पेलिंग अलग है, बट दे साउंड सिमिलर, सो दे आर नोन एज राइमिंग वर्ड्स। हियर आई हैव अ लिटिल फ्रॉग, हिज नेम इज टाइनी टिम, आई पुट हिम इन द बाथटब टू सी इफ ही कुड स्विम। सो हियर टिम इन द सेकेंड लाइन एंड स्विम इन द फोर्थ लाइन, दीज टू वर्ड्स आर राइमिंग। ये दोनों वर्ड्स क्या है? राइमिंग। ठीक है, सो टिम एंड स्विम are rhyming words that end with im. Write two more rhyming words that end with im. आपको दो और rhyming words लिखने हैं that end with im, मतलब जिस word के end में im आता है। ठीक है, इसको मैं पहले erase कर दूँ। I hope ये तो सबने circle कर लिया होगा। ठीक है, now this is, let us enjoy the poem. This is next exercise. Let us enjoy, enjoy the poem. Let us enjoy the poem. A is Tim and Swim. With Tim and Swim R-R-H-Y-M-I-N-G, rhyming words that end with I-M, okay? Tim and Swim are rhyming words that end with I-M. Write two more R-H-Y-M-I-N-G. Write two more rhyming words that end with I-M. जैसे टिम एंड स्विम है, ये दोनों राइमिंग वर्ड्स हैं एंड दीज टू वर्ड्स आर एंडिंग विद आई एम। नाउ वी हैव टू राइट टू मोर राइमिंग वर्ड्स दैट एंड विद आई एम। तो एक वर्ड और हमने पढ़ा हिम, ठीक है, टिम एंड स्विम तो बुक में है, हिम इज वन मोर वर्ड दैट इज ऑल्सो देयर इन द पोएम। वी कैन राइट हिम, वी कैन राइट जी आर आई एम, ग्रिम। ग्रिम मतलब बहुत, दिस इज बोलते हैं दुखी स्टेज में, द पर्सन इज वेरी ग्रिम, इज इन अ ग्रिम स्टेज, मतलब कोई बहुत किसी वजह से वो सब रीजन पर बहुत दुखी स्टेज में है तो उसे बोलते हैं ग्रिम। ठीक है, देन वी कैन राइट ग्रिम ऑल्सो डी आई एम। डिम मतलब बहुत हल्का, जैसे बोलते हैं ना वेरी डिम लाइट, डिम मतलब बहुत हल्की लाइट, लाइट इज वेरी डिम, लाइट बहुत हल्की। सो डिम, देन वी कैन राइट ग्रिम B-R-I-M, right? We have to write only two words, लेकिन जितने वर्ड मुझे याद आ रहे हैं मैं लिखवा रही हूँ। ब्रिम का मतलब है बिल्कुल ऊपर तक भरना, ठीक है, जैसे ग्लास है बिल्कुल ऊपर तक भर देना, ये जैसे वाटर बॉटल है मेरी, इसको अगर मैं बिल्कुल ऊपर तक भर दूँ तो उसको मैंने बोला कि ये ब्रिम तक भरी हुई है। जैसे रिवर्स नदियाँ होती हैं तो क्या होता है, नदी ऊपर तक तो नहीं रहती है, बट बारिश में जब
बरसात के दिन में जब बाढ़ आती है, वेन दे आर फ्लडेड, पानी बहुत आ जाता है, तो आपने कई बार न्यूज़ में सुना होगा या पढ़ा होगा कि रिवर्स आर फिल्ड अप टू द ब्रिम, मतलब एकदम ऊपर तक, उसको कहते हैं ब्रिम। तो सिस्टम नेम है जिम, इज ऑल्सो अ नेम, JIM, ठीक है, जिम भी एक नाम है। तो दीज आर सम ऑफ द वर्ड्स विच हैव IM, ठीक है, ये सारे वर्ड्स किसमें एंड हो रहे हैं IM, ब्रिम, ब्रिम, डिम, ब्रिम, जिम, ठीक है। अभी हम सोचेंगे तो और भी बहुत सारे वर्ड्स मिलेंगे, बट वी हैव टू राइट ओनली टू, तो मैंने 1, 2, 3, 4, 5 लिख दिया, ठीक है। सो नाउ राइट दिस इन योर बुक एंड आफ्टर दिस आई विल एंड द क्लास, ठीक है। आज का टाइम ओवर हो गया, आई विल एंड द क्लास टुडे, राइट दिस इन योर बुक ओनली, नोटबुक में नहीं लिखना है, जस्ट राइट दिस इन योर बुक, ओके चिल्ड्रन। सो आई होप वट एवर वी हैव डन टुडे इट इज क्लियर टू यू। इन केस ऑफ एनी डाउट, आपको कुछ भी पूछना है, कोई भी डाउट है, यू कैन ऑलवेज आस्क मी इन द ऑनलाइन क्लास, ओके। सो विद दिस आई एम एंडिंग द क्लास, थैंक यू सो मच चिल्ड्रन एंड हैव अ गुड डे।